एचडीएफसी बैंक का रुपए यूपीआई वर्चुअल क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए हुए 15 से 20 दिन हो गया, किसी किसी को यहाँ 20 से 25 दिन भी हो गया, अभी तक उनको रुपए वर्चुअल यूपीआई क्रेडिट कार्ड मिला ही नहीं, यानी कि उनको एचडीएफसी बैंक की ओर से ना ही अप्रूवल का मेल आया ना ही डिक्लाइन का मेल आया है, तो बैंक की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एचडीएफसी बैंक का रुपए यूपीआई क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या किन किन चीज़ों का आपको यहाँ ध्यान देना है, साथ में बताने वाला हूँ कि किनको ये कार्ड मिलेगा किनको ये कार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी हम इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो डिजिटली अप्लाई का प्रोसेस है, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ऐसे में आपकी सिविल इंक्वायरी भी हो सकती है। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज मैं हमेशा आपके लिए लाते रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा एक लाइक करके भी जरूर जाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बना रखा था इस कार्ड से रिलेटेड, उस वीडियो में पूछा जा रहा था कि क्या ये जो है न्यू कस्टमर को मिलेगा या फिर या एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए। तो द आंसर इज दिस कार्ड इज ओनली फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर, यानी कि इसके लिए जो है आपको जो है एचडीएफसी बैंक का एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड का यूजर होना बहुत जरूरी है, तभी जाके ये कार्ड आपको मिलेगा। क्योंकि जब भी आप एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे आप जो है एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के पोर्टल में लॉगिन होते हैं mycards.hdfcbank.com, तो आपको होम पेज पर ही वहाँ अप्लाई करने का बैनर शो कर दिया जाता है, चाहे आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग कस्टमर चाहे वीजा वेरियंट हो, मास्टर कार्ड वेरियंट हो, कोई भी वेरियंट हो, कोई ना कोई एक जो है एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा तो 100% गारंटी है ये यूपीआई वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आपको एचडीएफसी बैंक का डेफिनेटली नो डाउट आपको यहाँ डेफिनेटली मिलेगा ही। अब रही बात की किनको किनको ये यूपीआई वाला ये वर्चुअल एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, तो जब से यहाँ एचडीएफसी बैंक का टाटा नियो रुपे जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है लॉन्च हुआ है, तब से एग्जिस्टिंग जो एचडीएफसी बैंक के जो भी कस्टमर होंगे एग्जिस्टिंग कस्टमर क्रेडिट कार्ड के, तो ऐसे सेकंड क्रेडिट कार्ड जो है एचडीएफसी बैंक का ये को ब्रांड क्रेडिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो गया है, कई लोगों को यहाँ मिला भी। तो अगर आपके पास दो दो एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तब भी यहाँ पे आपको जो है अप्लाई करने का बैनर शो कर दिया जाएगा, यहाँ पे आपको जो यूपीआई क्रेडिट कार्ड है इसको अप्लाई करने का लिंक यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। अब रही बात कि आप जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर है एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के, फिर भी आपको अप्लाई का लिंक मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे आपको कुछ दिनों का जरूर वेट करना पड़ सकता है, आपको कुछ दिनों के बाद अप्लाई का बैनर वहाँ जरूर शो कर दिया जाएगा जब भी आप यहाँ लॉगिन होंगे एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के पोर्टल पर। तो यहाँ पे दो दो एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड होने के बावजूद भी यहाँ अप्लाई का लिंक मिल रहा है एग्जिस्टिंग कस्टमर को, तो रहा सवाल कि क्या ये ऐसे थर्ड क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अप्लाई का आपको जो है जब भी यहाँ पे लॉगिन होते हैं तो अप्लाई का लिंक आपको जरूर यहाँ मिल जाता है, दो दो क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक का होने के बावजूद भी, क्योंकि ये एचडीएफसी बैंक का वर्चुअल रुपे क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पे आपको ना ही फिजिकल क्रेडिट कार्ड मिलेगा और ना ही आपको यहाँ पे अलग से आपको जो है क्रेडिट लिमिट दी जाएगी, आपका जो भी जो आपके पास एग्जिस्टिंग जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वही लिमिट इस कार्ड के साथ शेयर कर दी जाएगी, साथ में एनुअल चार्जेस भी इस कार्ड से आपको इस कार्ड के लिए आपको पे करना होता है ₹250+GST का यहाँ एनुअल चार्जेस रखा गया है। तो ऐसे में बैंक चाहेगी कि आपको जो है ये कार्ड आपको जो है मिल जाए, यानी कि बैंक चाहेगी कि ये कार्ड आपको देगी, तो यहाँ पे बैंक चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को ये कार्ड मिल जाए, तो ऐसे में ऐसे थर्ड क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो आपको यहाँ पे 50-50 चांस है ये आपका रुपए वर्चुअल यूपीआई क्रेडिट कार्ड ऐसे थर्ड क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा। मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास भी दो दो कार्ड होने के बावजूद भी यहाँ पे अप्लाई का बैनर शो कर दिया जा रहा है जब भी मैं लॉगिन कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड के पोर्टल पे। तो मेरा जो अप्लाई नहीं करने का जो मेन रीज़न है, तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ अप्लाई करते हैं चाहे एग्जिस्टिंग कस्टमर हो चाहे न्यू कस्टमर भी हो, तो आपके लिए यहाँ पे जब भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं पैन डिटेल्स यहाँ एंटर करेंगे तो यहाँ सिविल इंक्वायरी डेफिनेटली कर दी जाती है एचडीएफसी बैंक की ओर से। दूसरा जो रीज़न है यहाँ पे फिजिकल कार्ड आपको नहीं मिलने वाला है इसका जो यूपीआई क्रेडिट कार्ड जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, तो ऐसे रुपए क्रेडिट कार्ड है तो हमारे पास जो है ऑफलाइन जो ट्रांजेक्शन पर रुपए की ओर से जो भी ऑफलाइन ट्रांजेक्शन पर ऑफर आते हैं उसका बेनिफिट इस कार्ड से हम नहीं ले पाएंगे, तो एक प्रकार से हम जो है ऑनलाइन ही इस कार्ड को आप यूज़ कर पाते हैं। तो अगर आपके पास दो दो एचडीएफसी बैंक का एग्जिस्टिंग आपका जो है क्रेडिट कार्ड होगा और हो सकता है उनमें से दोनों कार्ड जो है वीजा का होगा या मास्टर कार्ड का होगा, आपके पास जो है रुपए वेरिएंट में दोनों कार्ड नहीं है कोई भी एक कार्ड, तो ऐसे में आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, आप दोनों में से किसी एक कार्ड को आप जो है रुपए में कन्वर्ट करने का रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आपको पहले से पता कर लेना है कि कौन सा कार्ड रुपए वेरिएंट में कन्वर्ट हो सकता है, कस्टमर केयर में बात करके आप जरूर इस को कन्फर्म करके आप जो है रुपए वेरिएंट में कार्ड को कन्वर्ट करने का रिक्वेस्ट दे सकते हैं, तो ये आइडिया बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको फिजिकल कार्ड नहीं मिल रहा है तो रुपए की ओर से आने वाला जो ऑफलाइन ट्रांजेक्शन पर ऑफर्स आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा,
तो जैसे कि आप जानते हैं अभी जो है रिसेंटली ये जो है रुपए यूपीआई लिंक वाला ये फीचर आया है, तो डेफिनेटली कई जगहों पे ऑफलाइन ट्रांजेक्शन पर अच्छे खासे ऑफर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ फिजिकल वाला रुपए क्रेडिट कार्ड ही लेना आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पे जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई भी करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए यहाँ सिविल इंक्वायरी भी कर दी जाती है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अननेसेसरी क्यों आपका जो है सिविल इंक्वायरी यहाँ हार्ड इंक्वायरी कराना है। अब रही बात कि ऑलरेडी आपने अप्लाई कर दिया है, ये कार्ड आपको मिला ही नहीं, तो आपको करना क्या है? आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जो है नहीं मिल पा रहा है दोबारा अप्लाई कर दो, इस तरह से कोई आप गलती नहीं करना है। आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, आपको वेट करना है HDFC बैंक की ओर से कुछ तो ईमेल भेजा जाएगा, आपको उस चीज़ का आपको वेट करना है। अगर अप्रूव होता है तो अप्रूवल का ईमेल आएगा, SMS आएगा, और डिक्लाइन होता है तो डिक्लाइन का ईमेल आएगा, SMS आएगा। चाहे तो आप कस्टमर केयर में एक बार बात कर सकते हैं कि आपने इस कार्ड के लिए अप्लाई किया था, उस कार्ड का एप्लीकेशन का क्या हुआ, जो भी हमने UPI वाला जो क्रेडिट कार्ड आपने अप्लाई किया था उस कार्ड का क्या हुआ, ऐसे करके स्टेटस आप पूछ सकते हैं, या ईमेल करके भी आप जो है पूछ सकते हैं कस्टमर केयर के। तो ऐसे में कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली कम्युनिकेशन आपसे कर दिया जाएगा HDFC बैंक की ओर से। कैसा लगा वीडियो नीचे कॉमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ में हमेशा आपके लिए लाते रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।